नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जारी है यूपी पुलिस का क्लीन ऑपरेशन। सीतापुर में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश मारा गया है, वहीं दूसरा फरार है। वाहन चेकिंग के दौरान एनकाउंटर हुआ, लूट की बाइक बरामद कर ली गई है। शहर कोतवाली के हरिहरपुर की पूरी घटना है ये, जहां पर यूपी पुलिस का क्लीन ऑपरेशन जारी है। सीतापुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में एक बदमाश मारा गया जबकि एक फरार हो गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ये एनकाउंटर हुआ, पुलिस चेकिंग कर रही थी और पुलिस ने लूट की बाइक को बरामद कर लिया है। शहर कोतवाली के हरिहरपुर की पूरी घटना है, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर किया। तो बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर पुलिस का क्लीन ऑपरेशन जारी है। अबरार अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अबरार, जानना चाहेंगे पूरा मामला, कैसे पुलिस ने एनकाउंटर किया, किसकी सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची? ये आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां हरिहरपुर गांव के एक पुलिस को रात में सूचना मिली थी कि थाना हर गांव से एक बाइक लेकर भागे हैं बदमाश, जहां पर उन्होंने घेराबंदी कर और कोतवाली क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के पास उसे घेर लिया और गन्ने के खेत में उन्हें जो दोनों तरफ से गोलाबारी हुई, जिसमें गोली चली दोनों तरफ से, तो उसमें बदमाश के गोली लगी है और एक सिपाही भी घायल हुआ है। तो जब बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तो पुलिस का क्लीन ऑपरेशन जारी है और डेली से डेली एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस पर बदमाशों पर भारी पड़ रही है। जी शुक्रिया अबरार अली आपका जानकारी देने के लिए। तो पुलिस का क्लीन ऑपरेशन अभी भी जारी है, पुलिस बदमाश को लेकर काफी सख्त हो गई है। लूट की बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है और इस एनकाउंटर में एक बदमाश की मौत हो गई है।